नमस्कार, देशहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। देशहित यानी वो खबरें जिनमें आपका हित है, इस देश का हित। बिल्कुल, खबर के पीछे का हित बताएगा सिर्फ सीनूस का शो देशहित। शुरुआत 20 बड़ी खबरों के साथ। G20 समिट से पहले जापान के ओसाका में पीएम मोदी ने भारतीयों से किया संवाद, कहा सबका साथ सबका विकास को लोगों ने दिया विश्वास का अमृत, लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। G20 समिट से पहले भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय वार्ता, शानदार स्वागत के लिए पीएम मोदी ने शिंजो आबे को दिया धन्यवाद, कल डोनाल्ड ट्रंप से होगी द्विपक्षीय बातचीत। ट्रेड वॉर पर भारत के जवाब से अमेरिका हुआ परेशान, जापान में पीएम मोदी से मुलाकात के पहले ट्रंप का ट्वीट, अमेरिकी सामानों पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाए भारत। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 6 जुलाई को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी, बीजेपी के सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। अनंतनाग में शहीद SHO अरशद खान की पत्नी को मिली सरकारी नौकरी, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिया नियुक्ति पत्र, आतंकी हमले में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी आर्थिक मदद। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के बेस कैंप में पहुंचने लगा यात्रियों का जत्था, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, 30 जून को रवाना होगा पहला जत्था, 1 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आंशिक तौर पर रखा बरकरार, हाईकोर्ट ने कहा 16% नहीं 12-13% हो सकता है आरक्षण। राज्यसभा में अहम बिल पास कराने के लिए सरकार ने बनाई रणनीति, कांग्रेस से सहयोग मांगने की नहीं पड़ेगी जरूरत, बीजेडी TRS के समर्थन पर विपक्ष का विरोध होगा बेकार। जम्मू कश्मीर के शोपियन में गहरी खाई में घिरी मिनी बस, 11 लोगों की मौत, 6 जख्मी, पुंछ के एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से टूर पर आए लोगों के साथ दरबरा हादसा। एयर इंडिया की मुंबई निवाक फ्लाइट में बम की खबर निकली झूठी, लंदन के स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पर करवाई गई लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित। भगोड़े नीरव मोदी को दोहरा झटका, लंदन की अदालत ने 25 जुलाई तक बढ़ाई रिमांड, स्विट्जरलैंड में नीरव मोदी और उसकी बहन के बैंक खाते सील, 283 करोड़ रुपए जब्त हुए। चुनावी स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात की, कल ही बीजेपी को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस लेफ्ट से अपील। फरीदाबाद में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता विकास चौधरी की हत्या, जिनके बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, CCTV में रिकॉर्ड हुई वारदात। लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदी की मौत के बाद दूसरे कैदियों का हंगामा, 5 कैदी और 7 पुलिस वाले घायल, CM ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। उन्नाव जेल में हथियार के साथ कैदी और पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में सरकार, 4 जेल कर्मचारियों का ट्रांसफर, दोनों गैंगस्टर्स को अलग अलग जेल में भेजने की सिफारिश। हरियाणा के अम्बाला में बड़ा हादसा टला, पक्षी से टकराने के बाद लड़ाकू विमान जैगुआर का कुछ हिस्सा नीचे गिरा, वक्त रहते पायलट ने कराई सुरक्षित लैंडिंग। देर से दफ्तर पहुंचने वाले यूपी के अधिकारियों के खिलाफ योगी सरकार का नया फरमान, समय से दफ्तर नहीं पहुंचे तो काटा जाएगा वेतन। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की, तस्वीर खिंचवाने के लिए पुलिस अफसरों में काफी होड़ मच गई वहां पर। नगर निगम के अफसर को बैट से मारने वाले विधायक आकाश विजयवर्गीय को आज भी नहीं मिली राहत, इंदौर सेशंस कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई से इंकार कर दिया केस, भोपाल मार्शल। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को दिया 269 रन का टारगेट, कप्तान कोहली ने बनाई सबसे ज्यादा 72 रन, धोनी ने भी बनाई हाफ सेंचुरी।